सर, आज से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, कितना साल तक प्रयास रहेगा इसका? आज सबसे पहले तो मैं देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए आज जो ये वैक्सीन की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई है, ये बहुत ही एक सार्थक प्रयास है। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके के भ्रम में ना पड़ें, किसी भी तरीके की अफवाहों में ना पड़ें। ये टेस्टेड वैक्सीन है, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन पर हमें गर्व है। और आज इस वैक्सीन को लेने के लिए अनेकों देशों ने अपना एप्लीकेशन दिया हुआ है, अपनी डिमांड रखी हुई है और लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन पहले भारत के लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध होगी और इस वैक्सीन को लगाएं और बिल्कुल किसी भी तरीके के भ्रामक प्रचार या डर की ज़रूरत नहीं। नॉर्वे में फाइजर कंपनी की वैक्सीन लेने के बाद 23 लोगों की मौत हो गई, फरीदाबाद के लोगों को आप कैसे आश्वस्त करेंगे? मैं फरीदाबाद के लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये टेस्टेड और भारत की बनाई हुई वैक्सीन है, जो अनेकों देशों में अनेकों लोगों पर इसका ट्रायल हो चुका है। ये वैक्सीन एकदम ठीक है। जो फाइजर की बात है वो भी ऑथेंटिक नहीं हुई है, कंपनी ने या किसी प्रयोगशाला ने उसे ऑथेंटिक नहीं हुआ कि वो साइड इफ़ेक्ट उस वैक्सीन के हैं। 100 तरीके की बीमारियाँ अनेक अन्य अन्य लोगों के अंदर हैं, तो उनका कोई रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये जो वैक्सीन है वो सेफ है। और ये हिंदुस्तान की वैक्सीन तो बिल्कुल ही ट्रायल टेस्टेड और बहुत सारे देश के लोगों पर इस पर ट्रायल हुआ।